नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। नर्मदा जिले के केवड़िया गांव के इंडियन आर्मी जवान रिटायर्ड होकर वापस अपने वतन पहुंचे। रिटायर्ड आर्मी जवान का निकाला गया जुलूस, उनके फूलमाला से किया गया जगह जगह स्वागत। रिटायर्ड आर्मी जवान विजय भाई लल्लू भाई तड़वी का गांव में किया गया स्वागत। अगतेश्वर चौकड़ी से लेकर केवड़िया कॉलोनी तक हुआ रैली का आयोजन। प्रस्तुत है गुजरात नर्मदा से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। हमारे फौजी भाई विजय भाई को बहुत दिनों जन्म से हार्दिक स्वागत करते हैं और देश की सेवा करते करते आज चश्मा चले। नर्मदा जिले के केवड़िया गांव के वतनी विजय भाई लल्लू भाई तड़वी, जो कि इंडियन आर्मी में फर्ज बजा रहे थे और वो आज रिटायर होकर अपने वतन पर वापस पहुंचे हैं और यहां पर उनका भव्य जुलूस निकालकर उनका स्वागत किया गया और हर एक जगह पर उनको बहुत आवकार मिला। आइए, हमारे साथ यहाँ पर इंडियन आर्मी के नौजवान विजय भाई उपस्थित हैं। मैं अभी लास्ट टाइम पिछले 3 साल से अम्बाला, जो कि हरियाणा राज्य में है, और अम्बाला एक अच्छा सिटी है, और मैं वहाँ अपना
एक्सपीरियंस मतलब बहुत मेरे लिए अच्छा रहा लास्ट के 3 साल। अभी भी मेरी रेजिमेंट 214 रॉकेट रेजिमेंट अंबाला में ही है। इंडियन आर्मी में आप जहाँ पर फौज बजा रहे थे, तो उस दौरान आपका समय काल कैसा रहा? मेरा समय काल मतलब बहुत अच्छा रहा। मैंने अपने मतलब कई जगह स्पॉट में भी काम स्पॉट भी किया है, मैंने कुछ ऐसे काम भी किए हैं जो बहुत मतलब मेरा आर्मी के लिए मेरे लिए और आर्मी के लिए बहुत एक्सपीरियंस वाला काम था। आर्मी की जो सेवा आप जो बजा रहे थे, उसमें आपको कैसे कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा? वैसे हरियाणा देखा जाए, हरियाणा स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहाँ गर्मी भी ज़्यादा है, टेम्परेचर 45 के ऊपर है, और ठंडी भी मतलब माइनस से माइनस 20 डिग्री से करीब मतलब, और पूरा सूखा एक कोड़ा टाइप में चलता है। तो हमें गर्मी का भी मतलब बहुत दिक्कत, अपने मतलब गुजरात से जो जाता है उसको गर्मी से भी बहुत दिक्कत होती है, ठंडी में भी बहुत दिक्कत है। तो मतलब उस दो चार चीज़ों का क्लाइमेट की वजह से दिक्कत हुई, लेकिन आर्मी का जो जॉब ऐसा है कि इन्हीं दिक्कतों से गुजरना पड़ता है, तो मेरे लिए वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जो कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी नाम के से भी जाना जाता है, और उसमें मैं 214 रॉकेट रेजिमेंट जो कि इंडियन आर्मी में 5 ही ऐसी एक लौती रेजिमेंट है जिसमें मेरी रेजिमेंट एक उनमें से भी एक अच्छी और बहुत बहादुर रेजिमेंट है, और उनमें मैंने पूरे मेरा मतलब जितना सर्विस का समय था उसमें मैंने अपना टाइम दिया, और मेरी रेजिमेंट 214 रॉकेट रेजिमेंट, और हमारा जो लोबो है आरटी का लोबो है वो है सर्वत्र इज्जत इकबाल। विजय भाई, खास करके देखा जाए तो आप भी एक युवान हो, और आप यहाँ पर हमारे नर्मदा जिले के युवा लोगों को कुछ संदेश देना चाहोगे? मेरा नर्मदा जिला के जो कोई भी यंगस्टर है, और हमारे जो तरवी समाज जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है, जो दक्षिण गुजरात से जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से अभी जो फेमस हुआ है, लेकिन वहाँ से लोग इंडियन आर्मी में बहुत कम जाते हैं, तो मेरा यंगस्टर को एक ही मैसेज है, और तहे दिल से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी ज्वाइन करें, और अपना एक आर्मी का अच्छा ये है जॉब है, अपने देश सेवा करने का मौका है। तो मेरे तरवी समाज के लोगों से और यंगस्टर से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन आर्मी ज्वाइन करें। तो ये थे हमारे विजय भाई तरवी, जिन्होंने उनके अनुभव शेयर किए, और वो इंडियन आर्मी में रेजिमेंट में हवलदार की पोस्ट पर फराज बजा रहे थे, और जो आज रिटायर होकर अपने वतन वापस लौटे हैं। कैमरामैन शंकर तरवी के साथ गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा। हमारे साथ यहाँ पर गुजरात माटी संगठन के नर्मदा जिला के प्रमुख अरविंद भाई भी उपस्थित है। हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि वह यहाँ पर किस तरह की सेवा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं माजी सैनिक सेवा संगठन नर्मदा जिला प्रमुख कड़वी अरविंद भाई। हमारे माजी सैनिक जो रिटायर होकर के आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, रिटायरमेंट जीवन के बाद कोई प्रकार का प्रॉब्लम होने से उनका प्रॉब्लम हम आगे तक पहुंचाते हैं, और यहाँ का नौजवानों को हमें मोटिवेशन करते हैं कि ये आर्मी के अंदर भर्ती होने के लिए उनको फ्री ट्रेनिंग देने का हमारा पूरा प्रावधान है। तो नौजवान फ्री ट्रेनिंग के लिए हमारे पास जो आएंगे उनको हम फ्री ट्रेनिंग देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विस्तार के लोगों को आर्मी में जाने का मौका मिलेगा, ये हमारा मोटो है। अरविंद भाई, खास करके देखा जाए तो यहाँ पर युवा वर्ग भी काफ़ी उपस्थित है नर्मदा जिले में, तो आप इसी युवा वर्ग को लेकर आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहोगे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए यही है कि यहाँ पर अपना फिजिकल ट्रेनिंग आर्मी वाले से फिजिकल ट्रेनिंग ले, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए अपना फिजिकल फिटनेस पूरे पूरा इंडियन आर्मी का एक्सपीरियंस ले करके अपना जॉब और अपने देश की रक्षा करने का उनको मौका मिलेगा। तो ये थे यहाँ पर हमारे गुजरात माजी संगठन सैनिक के नर्मदा जिले के प्रमुख अरविंद भाई, जिन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। कैमरामैन शंकर तरवी के साथ गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा। हमारे साथ यहाँ पर गुजरात माजी संगठन के गर्देश्वर टेसर के प्रमुख भी तरुण भाई भी उपस्थित है। हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे वो यहाँ पर गर्देश्वर टेसर में किस तरह की सेवा दे रहे हैं। हमें
अपना माजी सैनिक ना थ्रू अपना यंगस्टर जितना छोकराओ है ये छोकरा ने मारे एज हिदायत है तमे फिजिकल फिटनेस कम्प्लीट करो जेम बने तेम आर्मी पर्सनल अंदर अपने जेम हरेक स्टेट ने अंदर के माजी सैनिकों की अंदर सेवा नू एक अनुयायी करे छे एवी रीतना अपना नर्मदा जिल्ला नी अंदर अने ते भी अपना गरडेश्वर तालुकाना नवयुवान हरेक जवानों ने मारी एक नम्र विनंती छे कि तमे फिजिकल फिटनेस कम्प्लीट जाओ खास करीने जोवा जोईए तो गरडेश्वर तालुकामां पण युवाधनની સંખ્યા સૌથી વધુ છે તો આજના યુવાધનને તમે કોઈ સંદેશ આપવા માંગો છો મારે એક જ યુવે એ છે નશા મુક્તિ રહો મોબાઈલ જે તમે અત્યારે મોબાઈલની અંદર તમે એટલું બધું ટાઈમ વેસ્ટ કરો છો એ મોબાઈલના અને નશા મુક્તિ તમે દૂર રહો અને જ્યાં બને ત્યાં સુધી તમારું ફિટનેસ એ રાખો અને જેટલા બને એટલા ઇન્ડિયન આર્મીની અંદર ચાહે નેવી હો એરફોર્સ હો યા થલ સેના હો એ ત્રણ સેનાની અંદર તમે ઇન્વોલ્વમેન્ટ થવા માટેની કોશિશ કરો તો એ થે અમારે ગરડેશ્વર તહેસીલ કે તરુણભાઈ जो कि गुजरात माजी संगठन के प्रमुख है और उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए कैमरामैन शंकर तड़वी के साथ गौतम व्यास गुजरात नर्मदा